आज हम खाली अंडे की ट्रे का यूज करके एक सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाएंगे जो बनाने में आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए मैंने अंडे की पूरी ट्रे में से इस तरह जितना साइज मुझे चाहिए था ये कट कर लिया है और बाकी पार्ट्स में से हम बाकी बचे हुए हिस्से में से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाकी इसके बचे हुए हिस्से में से हमने इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे हमें 10 पीसेस निकालने हैं, सॉरी 9 पीसेस निकालने हैं ऐसे हमें इसमें से कट करके। ये एक हमने निकाल लिया, इस तरह बाकी के 9 पीसेस भी निकाल लेंगे बचे हुए हिस्से में से। देखिए हमने इस तरह से इसके 9 पीसेस कट कर लिए हैं। जितना हिस्सा हमें डेकोरेट करना था इतना हिस्सा हमने एक्ट्रे में से काट लिया था और बाकी हिस्से में से इस तरह हमने ये 9 पीसेस अलग कर लिए हैं। अब हम इनमें पेंट करेंगे। देखिए इसे पेंट करने के लिए रेड कलर का फेवरेट कलर ले रही हूँ, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, हमने मनपसंद हमें इसे पेंट करूँगी। इससे से पेंट कर दिया इसमें, इस तरह इन सब में भी कलर कर लेंगे हम। देखिए ना हमने इसमें भी कलर कर लिया और इन सब में भी कलर कर लिया है। अब इन्हें एक साइड रख देते हैं। अब मैंने ये येलो कलर की ऊन ली है, ऐसे कोई से भी कलर की ऊन ले सकते हैं। इस तरह से करेंगे ये 10 टाइम्स हमने इसे इस तरह से रिपीट किया है। अब यहाँ से भी कट कर देंगे, यहाँ से भी कट कर देंगे, इस तरह बीच में रखेंगे सेंटर में, नॉट लगा लिया हमने। अब इस तरह इस एक को इस तरह से कर लेंगे धागे को और ऐसे करके 3-4 बार इस तरह मोड़ के इसमें एक नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे बराबर कट कर देंगे ऐसे। ये हमारा एक तरह बन गया इस तरह का। ये हमारे 9 पीसेस हैं, इनके लिए हमें 9 इस तरह के बनाने हैं। ये एक बन गया है, इसी तरह से हमें बाकी बना लेंगे हम। देखिए हमने जिस तरह मैंने एक बताया था इसी तरह मैंने सारी लटकन काट ली है, 9 लटकन है, 9 ये पीसेस हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये फेविक्रिल का 3D कलर लिया है वाइट, तो हम इससे वाइट से इस तरह बनाएंगे इसका। देखिए इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है और बाकी पीसेस को भी इसी तरह डेकोरेट कर लेंगे। देखिए हमने सारे डेकोरेट कर लिए हैं 3D कलर से, वाइट कलर से। अब हम इनमें मिरर लगा देते हैं। तो मिरर मैं ग्लू गन से लगा रही हूँ, आप चाहें तो फेविकॉल से भी लगा सकते हैं। देखिए हमने इसके ऊपर मिरर लगा लिए हैं, इस तरह हम इसके यहाँ पे भी सेंटर में भी मिरर लगा लेंगे। देखिए हमने सारे इसमें अच्छे तरह से डेकोरेट कर दिए हैं और इसमें सारे में मिरर लगा लिए हैं। अब हम आप सबसे पहले हम ऊन रेड कलर की ऊन में इस तरह हमने सुई में धागा डाल लिया है, रेड कलर की ऊन का ऊन डाल लिए, इस तरह से नॉट लगाएंगे और ये जो हमने लटकन बनाई है इस लटकन के सेंटर में डालेंगे इस तरह से और 2 गोल्डन मोती डालेंगे, फिर से डालेंगे इसके अंदर, फिर से 2 गोल्डन मोती डालेंगे और एक ही पाइप डाल लेंगे। ये आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाती है, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 2 गोल्डन मोती डाल लिए, फिर से 2 गोल्डन मोती डालेंगे। अब हमने जो ट्रे की सबसे निचली साइड है इसमें बांध देंगे। नॉट लगा देंगे। हमारी एक इस तरह से बन गई है, देखिए एक लटकन इस तरह से बन गई है। अब हमें इसी तरह बना के यहाँ 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 और इस साइड में लगाएंगे, ऐसी बनानी है और चारों तरफ ही लटका देना है। देखिए हमने सारे साइडों में इस तरह से बना के टांग इस तरह से इसमें लगा बांध लिए सारे में, साइडों में पूरा कंप्लीट कर लिया ऐसे बांध के। मैंने फिर अब सुई धागे को फिर से डबल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे डबल और यहाँ पे हम इसे लटकाने के लिए बनाएंगे, हैंग करने के लिए। We'll be right back.
करने के लिए बन गया। यहाँ से देखिए हमारा हम वॉल हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हैंग करने के लिए बना दिया हमने, तो हमारा वॉल हैंगिंग बिल्कुल हैंग करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।